हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि हम अपने पोको डिवाइस में किस तरह से लीनियर जॉय 16 को इंस्टॉल करते हैं, या गाइस लीनियर जॉय 16 बहुत पहले से ही लॉन्च हो गया है पोको डिवाइस के लिए। तो मैं इस वीडियो में कुछ नया वर्जन लीनियर जॉय 16 का जो अक्टूबर 2013 में जो वर्जन लॉन्च हुआ है उसका मैं इधर फ्लैश करूंगा और आपको रिव्यू दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमको कुछ फाइल्स डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि GApps हमको डाउनलोड करना पड़ेगा और जो मेन रोम फाइल उसको भी हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप इधर देख सकते हैं कि जो लीनियर जॉय का फाइल हमको इधर डाउनलोडेड है और GApps का फाइल भी डाउनलोडेड है। हमको सिंपली GApps ARM64 एंड्रॉइड वर्जन 9 पिको जीप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये जो मेगासिक मैनेजर है, आप इधर अपने जो लीनियर जॉय को रूट करना चाहते हैं तो इसको भी हम फ्लैश कर सकते हैं। और रिकवरी फाइल TWRP उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो सबसे पहले अपने डिवाइस को पावर अप कर लीजिएगा, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है और अपने डिवाइस को TWRP मोड में बूट कर देना है। तो आप इधर देख सकते हैं कि हमारा जो फोन इधर TWRP में बूट हो गया है। तो सबसे पहले हमको इंस्टॉल में जाना है और जो इसके लिए लीनियर जॉय को फ्लैश करने के लिए एक स्पेशल TWRP बनाया गया है तो उसको हम पहले इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमको डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके आप इधर देख सकते हैं इंस्टॉल इमेज, उसको क्लिक करना पड़ेगा। उसको क्लिक करते हैं आपका जो इमेज फाइल है रिकवरी का वो इधर शो करने लगेगा। इसको शो करने लगे तो उसके बाद हमको इधर रिकवरी में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद कन्फर्म टू फ्लैश कर दीजिएगा। तो जो रिकवरी इधर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद हमको फिर रिबूट में जाना है और रिकवरी में क्लिक करना है और फिर से अपने डिवाइस को TWRP में ले आना है। तो आप इधर देख सकते हैं कि नया TWRP इधर इंस्टॉल हो गया है। तो आप इधर देख सकते हैं Test 3 3.2.3 Test 3 इधर कुछ लिखाई दे रहा है। तो इसमें जो लीनियर जॉय कंफर्टेबल TWRP इधर इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद सिंपली हमको वाइप में जाना है, उसके बाद एडवांस वाइप डेल्विक केज सिस्टम और डाटा को टिक करना है और कन्फर्म टू स्वाइप कर देना है। तो ये सब कुछ करने के बाद फिर हमको जाना है इंस्टॉल में और जो रोम फाइल जहाँ जहाँ डाउनलोड किया उसमें लोकेट कर देना है। और आप इधर देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमको इधर लीनियर जॉय को बूट करना है, उसके बाद लीनियर जॉय को बूट करने के बाद हम इधर सक्सेसफुली जो GApps है उसको फ्लैश कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा जो लीनियर जॉय है इधर सक्सेसफुली फ्लैश हो गया है। तो सिंपली हमको रिबूट सिस्टम करना है और इस रोम को बूट होने में ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स लगता है, तो बस हमको वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो रोम बूट करने के बाद फिर हमको पावर ऑफ करके फिर से हमको रिकवरी मोड में जाना पड़ेगा। तो रिकवरी मोड में जाने के लिए फिर हमको वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, फिर सिंपली इंस्टॉल में जाना पड़ेगा। और आप इधर देख सकते हैं कि जो ओपन GApps ARM64 9.0 पिको जिप्स को इधर फ्लैश करना पड़ेगा। तो इधर स्वाइप टू फ्लैश कर लीजिएगा। तो इसको फ्लैश करते ही हमारा जो लीनियर जॉय इसमें गूगल प्ले स्टोर और गूगल प्ले सर्विस इधर इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्लैश करने के बाद सिंपली रिबूट सिस्टम में क्लिक करके अपने फोन को बूट कर लीजिए। तो आप इधर देख सकते हैं फाइनली जो लीनियर जॉय 16 है उधर सक्सेसफुली बूट हो गया है। तो आप इधर देख सकते हैं हमको प्ले स्टोर पे इंस्टॉल्ड है, तो सब कुछ इधर वर्क कर रहा है। फाइनली हम इस रोम का भी डेली बेसिस में यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा जो लीनियर जॉय 16 है इधर जो है बूट हो गया है। तो बस इनबूट एप्लीकेशन, बस हमको इतना ही एप्लीकेशन यूज करने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा है बैटरी परफॉर्मेंस के लिए। और इस रोम का बैटरी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हमको 8 आवर स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है 100-0% तक। और ये रोम बहुत ही स्मूथ है, तो इसमें कुछ लैग का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अब तक मेरे को। आप इधर देख सकते हैं कि ऐप को टच करते ही जो ऐप ओपन हो जा रहा है, बहुत ही बटर स्मूथ एनिमेशन इधर दिया गया है। और आप इधर देख सकते हैं कि इसमें कुछ नॉर्मल स्टफ लाइक कैलकुलेटर कैलेंडर कैमरा इधर कुछ इधर किया गया है। तो मैं सेटिंग में जाकर आपको अवॉर्ड डिवाइस सेक्शन में दिखा देता हूँ कि जो मिनी जो है 16 इधर जो आप इधर देख सकते हैं कि हमको इधर एंड्रॉइड वर्जन 9 एंड्रॉइड पाए का सपोर्ट मिल जा रहा है। और आप इधर देख सकते हैं लीनियर जॉय वर्जन 13 अक्टूबर 2010 का बिल्ड, और हमको इधर 5 अक्टूबर 2018 का सिक्योरिटी पैच भी मिल जा रहा है जो कि लेटेस्ट इधर दिया गया है। और ये रहा लीनियर जॉय 16 का स्टेटस बार जो कि बहुत अच्छी तरह से इधर लुक
दे रहा है अपने डिवाइस को, फुल्ली USB रोम है और इसमें कुछ भी बग्स नहीं है जैसे कि प्रीवियस रोम में कुछ बग्स होता था, जैसे कि स्टेटस बार का जो नॉच के प्रॉब्लम होता था, तो इधर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अब तक फिलहाल। और इधर एक नया फीचर्स दिया है जैसे कि हम पिक्सल रोम की तरह इसमें भी गेस्चर को ऑन कर सकते हैं। तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना, बस सिंपली सेटिंग में जाके सिस्टम में जाना है, फिर हमको एडवांस में जो ओपन करके इधर गेस्चर है उसको बस आप इधर देख सकते हैं स्वाइप अप ऑन होम स्क्रीन, बस इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते हैं आपको इधर पिक्सल की तरह जो सेटिंग पैनल है जो सॉफ्ट की से इधर मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी तरह से इधर वर्क कर रहा है। और आप इधर मल्टीटास्किंग भी, मल्टी विंडो का भी सपोर्ट मिलता है, जैसे कि कुछ भी आपको मल्टी विंडो करना है बस उस एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस कर लीजिए, उसके बाद हम इधर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है उसको क्लिक करके सेकेंड जो एप्लीकेशन है उसको बस टच कर लीजिएगा, तो आप इधर स्प्लिट स्क्रीन को भी बहुत अच्छी तरह से इधर यूज कर सकते हैं। कैमरा की बात करें तो इधर भी स्टिल हमको पोर्ट्रेट मोड नहीं दिया गया है, हमको इधर गूगल कैमरा को इंस्टॉल करके पोर्ट्रेट मोड ला सकते हैं। और इधर जो प्रीवियस बिल्ड में जो गूगल कैमरा का एरर होता था इस बिल्ड में वो फिक्स किया गया है, तो कैमरा इधर बस हमको एक नॉर्मल सा कैमरा दिया गया है और इधर बस कैमरा वर्क करने के लिए दिया गया है। तो मैं सिंपली सेटिंग में जाकर आपको दिखा देता हूँ जो फिंगरप्रिंट स्कैनर इधर वर्क कर रहा है कि नहीं, तो फिंगरप्रिंट में क्लिक करके नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न कुछ भी पैटर्न दे दीजिए और इधर डन में क्लिक कीजिए और इधर प्रिंट को इनेबल कीजिए, तो आप इधर देख सकते हैं इधर बहुत अच्छी तरह से फिंगरप्रिंट जो है रिकॉग्नाइज हो गया है। तो अभी हम इसको फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं, तो फिंगरप्रिंट इसमें स्टॉक MIUI दिया गया है उससे थोड़ा स्लो है, बस इधर वर्क कर रहा है। और इस रोम पे हमको फेस अनलॉक का भी इधर कुछ नहीं दिया गया है, तो ये एक माइनर बग, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, बाकी सब कुछ इधर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस तरह से बहुत सारे वीडियो बनाता रहूँगा, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम आए इस वीडियो रिगार्डिंग तो कमेंट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन नीचे। तो या गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन।